मोदी सरकार देगी 1,50,000 रुपए का इनाम, करें ये काम। केंद्र की मोदी सरकार आपको अपने हुनर को दिखाने के लिए आपको मौका दे रही है। यदि आप कुछ क्रिएटिव करने की चाहत रखते हैं और अपने हुनर के दम पर सरकार की सहायता करना चाहते हैं तो आपके पास एक बड़ा मौका है। केंद्र की मोदी सरकार आपको बुलेट ट्रेन का नाम और उसका डिजाइन तैयार करने मौका दे रही है। जानकारी के अनुसार इस प्रतियोगिता का आयोजन नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL कर रहा है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वालों को बुलेट ट्रेन का नाम और उसके लिए शुभंकर डिजाइन करना होगा। प्रतियोगिता के विजेता को 1.5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बुलेट ट्रेन की प्रतियोगिता में हिस्से लेने की अंतिम तारीख 25 मार्च है। आप अपना डिजाइन www.mygov.in पर भेज सकते हैं। इसके लिए आपको यहां खुद को रजिस्टर करना होगा। आपको बता दें, बुलेट ट्रेन को 2022 तक मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाने की योजना है। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम व शर्तें लागू की गई हैं। नियम और शर्तों के लिए https://www.mygov.in/task/name-and-mascot-design-competition-mumbai-madhavad-high-speed-royal/ पर जाकर अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए आपको तय नियम और शर्तों के अनुसार ही डिजाइन तैयार करना है। यदि आपके डिजाइन में कोई कमी रहती है तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ा लिया जाए। जानकारी के अनुसार डिजाइन चुनने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी तैयार की गई है। यह कमेटी हर डिजाइन को रिव्यू करेगी। रिव्यू के दौरान अगर डिजाइन कहीं से कॉपी किया पाया जाता है तो एंट्री रद्द कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक प्रतियोगिता के बारे में NHSRCL की तरफ से जानकारी दी गई। मैस्कॉट अच्छी तरह डिजाइन किया हुआ कैरेक्टर होना चाहिए जो NHSRCL के वैल्यू सिस्टम में इजाफा कर सके और लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। शुभंकर डिजाइन करने वाली इस प्रतियोगिता में जीतने वाले प्रतिभागी को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं ट्रेन के नाम के विजेता प्रतिभागी को 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में 5 से 5,000 रुपए के 5-7 गुना पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा हर प्रतिभागी को एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। वहीं विजेता से अलग 5 प्रतिभागियों को 10,000 रुपए और पुरस्कार दिए जाएंगे।